कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू जारी है। टोंक, चूरू और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी कर्फ्यू लगाया गया है। कुशलगढ़ कस्बा पूरी तरह से सील है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और कस्बे में 15 चिकित्सकों की टीम जांच कर रही है। जिला प्रशासन खुद राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रहा है। कुशलगढ़ कस्बा पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भीलवाड़ा में भी महाकर्फ्यू जारी है, कस्बे में 15 चिकित्सकों की टीम जांच कर रही है और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या लोगों को ना हो। टोंक, चूरू और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी कर्फ्यू लगाया जा चुका है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, देखिए महाकर्फ्यू लगातार जारी है और साथ ही लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, क्या अपडेट है, किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? भीलवाड़ा में आज महाकर्फ्यू का तीसरा दिन है। तीसरे दिन प्रशासन और पुलिस की चुस्त व्यवस्थाओं के कारण बंद पूरा सफल रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। जी, और मैं आपको बता दूं कोरोना 19 सैंपलिंग मशीन PCR मशीन भी भीलवाड़ा पहुंच चुकी है और उसकी सैंपलिंग भीलवाड़ा में ही चालू होने वाली है। और भीलवाड़ा में तबलीगी समाज के 33 लोगों के सैंपलिंग लिए गए थे और उनकी जांच रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आई है और सबको हम आइसोलेशन की सलाह दी है। मनीषा जी, योगेश बताएं, लोगों की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी तो सामने नहीं आ रही क्योंकि राहत सामग्री भी लोगों तक लगातार पहुंचाई जा रही है, ऐसे में किसी प्रकार की परेशानी का तो उन्हें सामना नहीं करना पड़ रहा? इन दिनों में परेशानी का सामना आम जनों को नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था की है कि दूध, सब्जी, फल, फ्रूट और दवाइयों की व्यवस्था होम डिलीवरी है। बारी बारी से क्रम से उनके घरों पे ये सामान पहुंच रहा है, इसलिए आम जन को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। राहत सामग्री की जब बात है खाद्य सामग्री की, वो UIT ने पूरा अपना जिम्मा संभाल रखा है। कुछ समाज सेवी संगठनों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है और अपने स्तर पे वो भोजन के पैकेट और खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। जी मनीषा जी, योगेश तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि महाकर्फ्यू भीलवाड़ा में जारी है कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते और साथ ही आम जन की दिक्कतों का भी पूरा निवारण किया जा रहा है। राहत सामग्री, खाद्य सामग्री लोगों तक लगातार पहुंचाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की परेशानियां उन्हें ना हो। लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते महाकर्फ्यू जारी है भीलवाड़ा में। जिला प्रशासन खुद राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रहा है ताकि परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े। टोंक, चूरू और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी कर्फ्यू लगाया जा चुका है, यहां भी जिला प्रशासन लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। बहुत जरूरी ऐसे में हो जाता है कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लगातार हर कोशिश की जा रही है ताकि लोग परेशान ना हो, किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए राजेश सोनी बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश बताएं, क्या अपडेट, कर्फ्यू वहां भी लगा दिया गया है, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, किसी प्रकार का विरोध तो नहीं लोगों की ओर से? देखिए मनीषा, ये अभी वैश्विक महामारी के चलते यहाँ पर कंधा मिलाकर प्रशासन को मदद कर रही है, कुछ समाज से भी है वो भी प्रशासन के सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। और कल जो दो कोरोना पॉजिटिव मिले उस क्षेत्र में जहाँ तक का मामला है वहाँ पूरा एरिया सील कर रखा है और चिकित्सा विभाग की टीमों ने सर्वे भी किया और कुछ लोगों को चिन्हित किया और कुछ लोगों के वहाँ जो सैंपल लिए थे नेगेटिव भी आए। खुशी की बात यह है कि नेगेटिव आए हैं और बाकी कुछ सैंपल रहे वो अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। तो वहाँ पर की जो जनता है पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, एक दूसरे की मदद कर रही है, नियम कानून कायदे के तरह कहीं कोई विरोध नहीं दिखाई दे रहा है और सभी एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं कि यहाँ बेहतर परिणाम देखने को सामने आ रहे हैं। और प्रशासन मुख्य जी से कटा हुआ है और सभी तरह से यहाँ पर व्यवस्था कार्यक्रम चल रही है। बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार भीलवाड़ा में कर्फ्यू जारी है और साथ ही चूरू, टोंक और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी कर्फ्यू लगाया जा चुका है। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है, लोगों तक राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं ताकि लोग परेशान ना हो, लोगों की जरूरतों का लगातार ध्यान रखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लापरवाही भी यहां पर कोई सामने नहीं आए और साथ ही कस्बे में 15 चिकित्सकों की टीम लगातार जांच कर रही है। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद होकर
लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। लगातार राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है ताकि बाहर भी लोग वहां से ना निकले। कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, पूरी तरीके से कुशलगढ़ कस्बा सील कर दिया गया है। लोग भी जागरूक होकर अपने घरों में ही हैं और किसी प्रकार की समस्या वहां पर अगर है तो जिला प्रशासन को अवगत करवाया जा रहा है और जिला प्रशासन लगातार राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए चूरू से योगेंद्र वर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, बताएं चूरू में क्या अपडेट? जी निशा जी, मैं ये बताना चाहूंगा, चूरू में कर्फ्यू का चौथा दिन है जी। पुलिस पूरी चौक चौक और पूरी चप्पे चप्पे पे नजर रख रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है जी। अभी जो जमात के 9 लोग थे उन्हीं में से ही पॉजिटिव आए, उसके अलावा अभी तक चूरू में कोई पॉजिटिव नहीं आया है जी। लेकिन चूरू के जिला कलेक्टर संदेश नायक पूरे जिले की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिससे अभी तक ऐसा कोई नया मामला नहीं है। बाकी कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, खाली उचित मूल्य की दुकानें ही खुली है, बाकी चूरू में सब कुछ लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है जी। देखिए योगेंद्र, देखिए ये बताइए, कर्फ्यू क्योंकि लगा दिया गया है तो लोगों को काफी परेशानी सामने आ रही होगी, तो जिला प्रशासन किस तरीके से लोगों की मदद वहां पर कर रहा है, राहत सामग्री किस प्रकार से पहुंचाई जा रही है? जी नगर पालिका की वैन है, वो भी जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो भी अपने राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बाकी सब्जी दूध और दवाइयों के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने छूट दे रखी है जी। बिल्कुल योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और साथ ही लोगों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।